अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 11 ए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है और यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट को हम ए का नाम दे देंगे और एंडिंग पॉइंट को बी का। अब आपने एंगल ए पर 42 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर ड्रा करना है पॉइंट ए पर। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 42 डिग्री, उसके साथ मैं इसको मैच कर देंगे। और पॉइंट बी पर हमने ड्रा करना है 48 डिग्री का एंगल। और वो बनेगा यहाँ। और ये हमारे पास यहाँ पर एंगल सी बन गया है। यहाँ पर ए पॉइंट पर हमने 42 डिग्री का एंगल ड्रा किया और बी पर 48 का। अब अगेन फाइंड करने के लिए कि हमारा एंगल सी जो हमारे पास ड्रा हुआ है वो कितने डिग्री का है, तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए पर हमने 42 डिग्री का एंगल ड्रा किया, बी पर 48 का किया और प्लस सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 48 में हम 42 में 48 को हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। सी अब 90 जो है यहाँ पर सी में ऐड हो रहा था तो इक्वल के साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सी एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर अगर आप अपनी ट्राइंगल को देखें तो आपकी जो थ्री साइड्स हैं ट्राइंगल की वो डिफरेंट आ रही हैं, कोई भी मैच नहीं कर रही। तो इट्स मीन इट्स आवर स्केलन ट्राइंगल। तो इट इज़ ए स्केलन ट्राइंगल। और बाय इट्स साइड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 90 का एंगल है तो यह हमारे पास राइट एंगल बन रहा है। तो बाय इट्स साइड्स इट इज एन राइट एंगल। थैंक यू।